हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसे पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये ओ लेवल में जो हमारा इंटरनेट सब्जेक्ट होता है उसकी सीरीज चल रही है, उसमें ये क्वेश्चन बनता है मैन। ठीक है, और ये भी बनता है बैन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, पहले हम देखते हैं मैन। मैं इससे पहले लैन पढ़ा चुका हूँ, व्हाट इज लैन, तो आपको, आपने वो वीडियो ना देखा हो तो वो वीडियो देख लीजिए, तो ये आपकी जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, अगर इंटरनेट ओ लेवल में इंटरनेट सब्जेक्ट है ये, अगर आपको इंटरनेट बेसिक से सीखना है तो आप मेरी पहले की वीडियो सारी देखिएगा। ठीक है, अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और आईटी टूल से भी मैं पढ़ा चुका हूँ पहले, वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है, वो भी बिल्कुल बेसिक से पढ़ाई हैं। अब मैन को स्टार्ट करते हैं, इसका पूरा नाम क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। यह एक ऐसा हाई गति वाला क्या होता है, नेटवर्क होता है, मतलब कि इसकी स्पीड भी बहुत हाई होती है। ठीक है, डेटा और इमेजेस को 200 Mbps प्रति सेकेंड या इससे अधिक गति में 75 किलोमीटर की दूरी तक ले जा सकता है। यह लैन जो हमने पहले पढ़ा, लैन से बड़ा तथा बैन, बैन का बैन से क्या होता है, छोटा नेटवर्क होता है, मतलब कि बीच का नेटवर्क से बोल सकते हैं। ठीक है, इस नेटवर्क द्वारा एक सिटी के नेटवर्क को दूसरी सिटी के नेटवर्क से जोड़ा जाता है। लैन में हम क्या करते हैं, जिनमें डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होता था उसने जोड़ते थे, इसमें क्या है, एक सिटी से दूसरे सिटी के नेटवर्क में जोड़ा जा सकता है। ठीक है, राउटर, स्विच और हब्स मिलकर एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का निर्माण करते हैं। राउटर, स्विच और हब्स मिलकर क्या करते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का निर्माण करते हैं। जैसे राउटर, स्विच और हब्स नहीं पढ़ा पता है, वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगा, वो आपको बता दिए जाएंगे। ठीक है, पूरी सारी डेफिनेशन बेसिक से लेकर चलेंगे। अब अंतर, जैसे कि लैन जो मैंने पहले पढ़ाया और ये मैन, ठीक है, इसमें अगर अंतर पूछा जाए तो हम कैसे लिखेंगे, जो मैंने करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैन में लिखा था वो लिखेंगे, फिर इस लिखेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैन की विशेषता, मतलब कि ऐसे बीच में एक लाइन करेंगे, यहाँ लिखेंगे लाइन जो मैंने पहले पढ़ाई थी वो लिख देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर लिखेंगे मैन, तो इनमें क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, ये दोनों जो चार सारे पॉइंट्स उसमें लिख देंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इस नेटवर्क का यूज़ ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स सिटी को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक, मेन नेटवर्क की रेंज 5 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच होती है। ठीक है, इसकी गति क्या होती है, हाई होती है। इसका रख रखाव मतलब मेंटेनेंस कठिन होता है। मैन की डेटा रेट लैन से ज़्यादा व बैन से कम होती है। इसकी स्पीड जरूर देखिएगा, 10 MB से 100 MB तक होती है। ठीक है, मैन का कवरेज एरिया लैन से ज़्यादा व बैन से कम होता है। ठीक है, ये इसके उदाहरण ये पूछे जाते हैं, कहाँ, शॉर्ट क्वेश्चन में, सिटी केबल और टीवी नेटवर्क किस में यूज होगा, मैन में। ये हमारा ISP है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये हमारा मैन है, तो इसमें क्या, एक बिल्डिंग, एक होम, ये बिल्डिंग, इसमें गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया दोनों होते हैं। तो ये हमारा था मैन, व्हाट इज मैन। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके मुझे फीडबैक दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स।